हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज अपन सीखेंगे 3D 4 5 6 नंबर। तो चलिए मैं 4 बना रही हूँ। तो 4 बनाने के लिए मैंने पेंसिल, स्केल, रबर और पॉइंटेड मार्कर पेन यूज़ करूँगी इसको बनाने के लिए। तो पहले मैं सिंपल 4 नंबर बना ले रही हूँ, उसके बाद उसको 3D में बनाऊँगी, 3D नंबर बनाऊँगी। और हाँ गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस बेल आइकन बटन, जिससे जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आए। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस, कि मैंने कैसे मार्कर पेन और पेंसिल की मदद से आपको 3D वर्ड बनाना सिखाए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने 3D 4 पेंसिल स्केल की मदद से बना लिया है। अब मैं परमानेंट पॉइंटेड मार्कर पेन ले रही हूँ कैमल का, जिसे मैं बना रही हूँ। आप चाहे तो थिक मार्कर पेन यूज़ करना चाहते हैं तो थिक भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप अदर कलर मार्कर पेन से भी बना सकते हैं, ब्लू, रेड, जिससे भी आपका कलर पसंद हो आपको उस कलर से बना सकते हैं। मैं पूरे 4 नंबर को परमानेंट ब्लैक मार्कर पेन से बना ले रही हूँ। अब मैंने जो पेंसिल से बनाया था उसको मैं इरेज कर दिया। अब मैं 4 वर्ड में फिनिशिंग दे रही हूँ स्केल की मदद से। आप भी स्केल से बनाइएगा, बहुत नीट एंड क्लीन बनता है। आप 3D शेड देंगे, आप 3D शेड ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ब्लैक कलर से दें, आप अदर कलर भी यूज़ कर सकते हैं और अट्रैक्टिव लगता है। चाहे तो आप इनमें कलर भी भर सकते हैं नंबर में। इन 3D नंबर को आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो, मैथ्स प्रोजेक्ट वर्क या फिर आप ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हो तो आप जिस नंबर का यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी 3D वर्ड आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये लीजिए, मेरा 4 3D नंबर पूरा बन चुका है। चलिए अब 5 नंबर बनाते हैं 3D। तो पहले सिंपल स्टेप जैसे मैं बना रही हूँ आप वैसे वैसे बनाते जाएंगे, आपको बहुत इजी लगेगा बनाने में। ये देखिए, सिंपल 5 नंबर बना लिया है मैंने। अब उसको 3D लुक देंगे। ले लीजिए, मेरा पूरा बन चुका है। अब 5 में 3D लुक देंगे। तो ये लीजिए, मैंने 5 3D बना लिया है। अब मैं पॉइंटेड मार्कर पेन फिर से यूज़ कर रही हूँ। पूरे 5 नंबर 3D को ब्लैक मार्कर पेन से बना ले रही हूँ। आप लोग भी बना लीजिएगा, जब आप जो जिन भी कलर
पेन यूज़ करेंगे उससे बना सकते हैं आप भी पूरा। आप साथ में फिनिशिंग देते जाएंगे तो आपको अलग से फिनिशिंग नहीं देनी पड़ेगी। फिर से कह रही हूँ, आप अगर पेंसिल यूज़ करके बनाते हैं तो बहुत नीट एंड क्लीन बनेगा। आप भी स्केल ज़रूर यूज़ कीजिएगा, 3D वर्क बनाने में आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। अगर आप विदाउट पेंसिल स्केल यूज़ करे बनाते हैं तो बहुत मिस्टेक होगी, बार बार लाइन आड़ी तिरछी बनेगी। तो इससे अच्छा आप परफेक्ट एक बार में बनाना चाहते हैं तो आप स्केल का यूज़ करके बनाइएगा। अब मैंने पेंसिल से जो भी बनाया था उसको इरेज कर दे रही हूँ। अब मैं फिनिशिंग दे रही हूँ 5 में। अब मैं 3D शेड दे रही हूँ। आप देख सकते हैं स्केल यूज करने से कितने नीट एंड क्लीन से लाइन खिंच रही है। आप भी स्केल यूज करेंगे तो आप भी बहुत नीट एंड क्लीन स्केल से लाइन खींच पाएंगे। तो ये लीजिए, मेरा 5 बन गया है। चलिए अब 6 बनाते हैं। 6 बनाने के लिए पहले आप सिंपल 6 बना लीजिए। तो आप 6 जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आप बना लीजिएगा, तो आपको बहुत इजी लगेगा 6 बनाने में। चाहे तो आपको इससे अलग 6 बनाना है तो आप थोड़ा अलग 6 भी बना सकते हैं। अब मैं उसमें 3D लुक दे रही हूँ, 3D लुक दे रही हूँ। तो ये देखिए मेरा 6 पूरा बन चुका है। अब मैं मार्कर पेन से, पॉइंटेड मार्कर पेन से पूरे 6 को बना रही हूँ, आप भी बना लीजिएगा। अगर आपके पास पॉइंटेड मार्कर पेन नहीं है तो अगर आपके पास स्केच पेन है उससे भी आप बना सकते हैं, स्केच कलर पेन से। वैसे कोई कंपलसरी नहीं कि आप ब्लैक ही बनाएं, आप अपने पसंद के अनुसार कलर भी यूज़ कर सकते हैं, कलर से बना सकते हैं। अब मैं पूरे 6 3D नंबर को बना दे रही हूँ। तो मैंने जो पेंसिल से बनाया था मैंने उसको इरेज कर दिया है। अब मैं 3D 6 नंबर में फिनिशिंग दे रही हूँ। आप साथ ही साथ बनाते बनाते फिनिशिंग देते जाएंगे तो आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। अब मैं 3D लुक दे रही हूँ, उसके लिए मैं लाइन स्केल की मदद से लाइन खींच रही हूँ। आप देख सकते हैं कि स्केल की मदद से कितनी परफेक्ट और क्लीन लाइन खींच रही हैं। आई होप आपको मेरे ये 3D
नंबर्स पसंद आए होंगे, आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please subscribe my channel, press bell icon button and like and share my video. Thank you.